Hey, I'm Bhavesh and welcome back to my channel. In this video, I'm going to tell you about the best old money loafers under 1K. So, I will discuss 5 points about these shoes. Number 1, comfort and fit. Number 2, durability. Number 3, overall appeal of these shoes. Number 4, pricing. खास जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया पूरा. और नंबर 5, द फाइनल कंक्लूजन. तो इन 5 पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आई विल शो यू द शूज, सो हैव अ लुक. तो आपने अभी शूज़ देखा ही होगा, एकदम सॉलिड लग रहा है. तो आई हैव चूजन द क्रीम कलर और यू कैन ऑल्सो हैव वाइट कलर विच इज़ द बेस्ट सूटेबल कलर फॉर ओल्ड मनी स्टाइलिंग. तो मैं शूज़ के कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, वो है MH विच इज़ मस्ट एंड हार्बर. तो टाइम पास ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, कम्फर्ट एंड फिट. इस मामले में तो आप एकदम ही रिलैक्स रहिए. मैंने जितने भी बार इस शूज़ को ट्राई किया है वो A1 फील देता है. इसका रबर सोल बना है रबर से एंड इसके अपर स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं शूज़ फैब्रिक स्वेट फिनिश है. वो ओरिजिनल स्वेट तो नहीं है बट एकदम 101% एक्यूरेट कॉपी किया गया है. जो देखने वाला जो आगे देख रहा होगा उसको तो लगेगा ये कितना महंगा शूज़ है. मैं उसके बारे में प्राइसिंग के बारे में आगे डिस्कस करूँ. सो You can blindly trust on comfort. So our point number 2 is durability. तो मैं कहीं से कहीं तक इसे ड्यूरेबल बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा और आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ड्यूरेबल बोलकर ही शूज़ लो. ये बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है या और हमने ड्यूरेबल होने के लिए इसे ख़रीदा भी नहीं है. ड्यूरेबल कंसिडर करेंगे हम स्पोर्ट्स शूज़ को या फिर रफ लेदर शूज़ को. तो ये ना लेदर है ना स्पोर्ट्स शूज़ है. तो डोंट कंसिडर इज एज अ ड्यूरेबल शूज़. तो आप इसे फ़ोटोज़ के लिए या फिर कभी कभार कॉफ़ी डेट या फिर आउटिंग के लिए पहन सकते हैं बट इज़ नॉट ड्यूरेबल एट ऑल. पॉइंट नंबर 3, ओवरऑल अपील ऑफ दिस शूज़. तो देखिए, मैंने तो इसे एक ओल्ड मनी शूज़ समझ कर ही लिया था ताकि मैं इसे पोलोस के साथ या फिर मिनिमल शर्ट के साथ एंड एक टेलर ट्राउज़र के साथ पहन सकूँ. और आपको भी मैं यही बोलूँगा कि इसे एक लोफर समझकर, मतलब एक एलिगेंट लोफर समझकर लीजिए, ना कि डेली यूज़ के लिए शूज़. ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मनी स्टाइल कैरी करने के लिए मैं कंसिडर करूँगा और इसी के लिए मैंने लिया भी है, ना कि किसी अदर आउटफिट पर या फिर ब्लेज़र पर या फिर पार्टी वेयर. नहीं, इसे पार्टी वेयर तो बिल्कुल मत समझिए. ये एक ओल्ड मनी लुक देता है एंड एट दी एंड मैंने वीडियो ही उसी के लिए बनाया है ताकि मैं बता सकूँ अंडर 1K द बेस्ट शूज़ यू कैन कैरी विद द ओल्ड मनी स्टाइल्स. इस ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मनी लुक के लिए बनाया है. बाकी इसे किसी शूज किसी आउटफिट के साथ ट्राई करने का सोचना भी मत. दिस इज़ ओनली मेड फॉर ओल्ड मनी स्टाइल. द फाइनल पॉइंट कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में हम यही डिस्कस करते हैं ना कि शूज़ को लेना चाहिए या फिर कंसिडर करना चाहिए या फिर इसकी प्राइसिंग सही है, प्राइसिंग के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं. तो मैं एक ही वर्ड में इसका आंसर दूंगा, गो फॉर इट. मतलब गो फॉर इट. मेरा यही कंक्लूजन है कि आपका साइज़ मिल रहा होगा तो गो फॉर इट 101%. ये शूज़ मिस मत करिए. कभी कभार कोई कोई कंपनी न्यू फ्यूजन ट्राई करती है तो हमें उसे इनकरेज करना चाहिए. और मस्ट एंड हार्बर कंपनी ने एक शानदार शूज़ बनाया है तो 101% गो फॉर इट फ्रॉम माई साइड. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. If you like this video, then please consider like, share, and subscribe to my channel. See you again. Thank you.